ये सरकार झूठ बोलती है और इसको फौजी के बारे में समझ ही नहीं है। ये लोग बिजनेसमैन की सरकार है, गुजराती लुटेरों की सरकार। आपको ये पता है कि मारवाड़ी और गुजराती में क्या फर्क है? मारवाड़ी भारत छोड़ के नहीं भागता, कभी गुजराती भाग जाता है। लोगों के साथ इसमें अन्याय है, क्योंकि जो बंदा इसमें आ रहा है वो सड़क पर है, उसको रोटी के लाले पड़े हुए हैं। आज की तारीख में आप एक स्वीपर का जॉब अनाउंस कर दीजिए, 1 लाख एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। करेगा भाई, वो तो भूखा मर रहा है, इससे अच्छा वो बॉर्डर पे मरे तो खुश है, कुछ और मिल जाएगा उसकी फैमिली को। अगर आप रॉन्ग पॉलिसी लेके आ जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी हम में है, उस पर कोई कमेंट कर ही नहीं सकता। भाई आपकी पॉलिसी बेसिकली गलत है। प्रॉब्लम जो आपके हाथ में थी आपने उसको 3 साल के लिए शिफ्ट कर दिया, प्रॉब्लम वापिस 3 साल के बाद पैदा होगी, फिर देखेंगे क्या करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। जिस तरीके से लगातार जंतर मंतर फेमस है धरना प्रदर्शन के लिए, उसी के चलते यहाँ पर आज 4-4 प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वो भी मोदी सरकार को लेकर। सोचिए, मोदी सरकार की नीतियां इस तरीके से कर दी जाती है कि उसके लिए फिर यहां पर विरोध प्रदर्शन होना चालू हो जाता है। अभी अगर हम बात करें सैनिकों की, तो आप सोचिए सैनिकों के यहां पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जो बताया जा रहा था अभी मैम से, हमने बात की कि कितने टाइम से वो लंबे समय से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर। तो सबसे पहले हम जानते हैं सर क्या कुछ है कि आप सैनिकों को यहाँ पर रोडों पर आना पड़ा। पिछले 2600 दिन से हम यहाँ पर अपना 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बैठे हुए हैं, और जो सरकार आई है हमको शुरू में बोला कि हम 100 दिन में आपको 1 रैंक 1 पेंशन दे देंगे, जो कि टूटी फूटी 1 रैंक 1 पेंशन दी है, उसका कोई पूरा संविधान नहीं निकला। लेकिन अब जो है अब भी हम बैठे हुए हैं, 2600 दिन हो गए हैं, अब भी हमारी फौजें जो हैं वो तो बेचारी चुप रहती हैं, वो बोल नहीं सकते, अंदर डिसिप्लिन है। और हम जो एक्सर्विसमैन बाहर आते हैं हम कुछ बोल सकते हैं, हम उनके लिए भी बैठे हैं, अपने लिए भी बैठे हुए हैं। और कम से कम हमको जो है पूरा 1 रैंक, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है कि 16 जून तक जो है 1 रैंक 1 पेंशन को पूरी मिल जानी, और जो बाकी का एरिया है वो भी वापिस दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट के कान पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलकीत सिंह है, मैं अक्सर एयरफोर्स अफसर हूँ। हाँ जी, ऑफिसर अफसर है। अभी देखिए, अभी इनसे भी बात की, ऑफिसर अफसर है एक्स, और अभी हम सर से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमांडर राजवीर सिंह, आई एम ए वेटरन ऑफ 65 एंड 71 वार। आई वॉज ऑन द शिप ऑन बोथ वार्स। इन 71 वार्स आई वॉज इन बे ऑफ बंगाल, and when Bangladesh surrendered, then Pakistan surrendered, and 65 my ship was near Karachi. तो सर क्या कुछ है कि सरकार लगातार इस तरीके की नीतियां निकाल देती है मगर उसका विरोध प्रदर्शन होने लगता है। सरकार कह रही है कि 1 रैंक 1 पेंशन के तहत जो है रिटायर्ड सैनिक है, जो एक्स सैनिक है, उनको लगातार पेंशन मिल रही है, मगर आप लोग बता रहे हैं कि नहीं मिल रही है। नहीं, ये सरकार झूठ बोलती है और इसको फौजी के बारे में समझ ही नहीं है। ये लोग बिजनेसमैन की सरकार है, गुजराती लुटेरों की सरकार। आपको ये पता है कि मारवाड़ी और गुजराती में क्या फर्क है? मारवाड़ी भारत छोड़ के नहीं भागता, कभी गुजराती भाग जाता है, तो इतना ही फर्क है दोनों में। तो ये सरकार जो है लूटमार वाली सरकार है, ये खर्च कर रही है अपने प्रोपेगेंडा पे, खर्च कर रही है मोदी के कपड़ों पे, खर्च कर रही है, लेकिन ये फौज के ऊपर कोई इनका ध्यान नहीं है। जो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो भी अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया है, और उसको भी बहाने बना के कभी इधर कर देते हैं कभी उधर। सर अभी आपने कहा कि सरकार को सेना की समझ नहीं है, सेना की समझ है तभी उन्होंने अग्निपथ ला दिया। अग्निपथ के बारे में तो कितने लोगों ने कहा है, उनको समझ नहीं है, इसीलिए तो अग्निपथ ला दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ, तो वो 4 साल के बाद उनकी शादी भी कोई नहीं करेगा जो छोड़ के जाएंगे 4 साल के बाद। लेकिन ठप्पा तो लग जाएगा कि सैनिक है, सैनिक रहा है बॉर्डर पे गया। नहीं, वो आधा सैनिक है ना, वो इधर का बेचारा ना उधर का। तो सर उसके बाद 4 साल के बाद जो है भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो बोल रहे हैं उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे वहाँ पर कार्यालय। तो बोलते रहते हैं, वो हरियाणा वाले ने बोला कश्मीर की ब्राइड मिलेंगी तुम लोगों को।
अब कश्मीर की ब्राइड मिल गई, वो सब ऐसे ही बहकाते रहते। नहीं मतलब कहा जा रहा है कि सोचिए तुलना किससे की जा रही है कि सैनिक है उनका दर्जा कितना ऊपर है, लेकिन अब जो है उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भाजपा कार्यालय में मिलेगी। बस यही नौकरी मिलेगी, वो भी ये नेताओं की सिक्योरिटी की। सर क्या नाम है आपका? तो सर क्या कुछ है कि अग्निपथ का आप विरोध करते हैं कि अग्निपथ अच्छा है कि नहीं है? अग्निपथ, अग्निपथ गलत है, गलत है। ये योजना लाई गई है पेंशन के बजट को कम करने के लिए। 50,000 हमारा फौजी रिटायर होता है, इनको पेंशन जो हर साल बढ़ती जा रही थी इनके लिए, उससे आपत्ति थी। इन्होंने फौज के नया तरीका ढूंढा ताकि इनको पेंशन न देनी पड़े, तो ये पेंशन विरोधी हो गई है इस टाइम से। मेरा कहना सिर्फ ये है, लोगों के साथ इसमें अन्याय है, क्योंकि जो बंदा इसमें आ रहा है वो सड़क पर है, उसको रोटी के लाले पड़े हुए हैं। आज की तारीख में आप एक स्वीपर का जॉब अनाउंस कर दीजिए, 1,00,000 एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। इसी तरह 5,00,000-15,00,000 बोलते हैं जैसे कि लोगों ने अप्लाई किया, करेगा भाई, वो तो भूखा मर रहा है, इससे अच्छा वो बॉर्डर पे मरे तो खुश है, कुछ और मिल जाएगा उसकी फैमिली को, तो आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कीम बड़ी सक्सेसफुल है, दैट इज वन। सेकेंड पॉइंट ये है, आपने लोगों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि न्याय ये होता कि अगर आप उनको पहले नौकरी दे देते, यहाँ वो जो प्रॉमिस कर रहे हैं वहाँ रैंक दे, नौकरी मिल जाती, फिर उनको बोलते हैं 3 साल बेटा यहाँ पे काम कर लो फौज के अंदर, उसके बाद हमारे पास चॉइस है फौज में रहना या उनके ऊपर है। अगर ऐसा करते तो ये आपका आप पब्लिक के हित में बोल रहे हैं, उनको जॉब मिल चुका है, आप उनका विश्वास नहीं तोड़ने वाले हैं, और वो फौज की आप उनको डिसिप्लिन देना चाहते हैं, देशभक्ति देना चाहते हैं, सब कुछ मिल जाता है, पर ऐसा नहीं किया क्योंकि इच्छा शक्ति इससे मैच नहीं करती। ये बात सर, अभी आपने कहा कि अग्निपथ जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अगर अच्छा नहीं है तो वो 10,00,000 जो फॉर्म भरे जा चुके हैं तो वो किसके हैं? दोबारा बोलना क्या पूछा? अग्निपथ जो है आपने कहा कि वो सही नहीं है, वो जो स्कीम लेकर आए वो सही नहीं है, लेकिन जो 10,00,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं अग्निपथ के तहत तो वो क्या कुछ है? नहीं नहीं, फॉर्म जो भर दिया है तो उसका तो मैं, अगर आप रॉन्ग पॉलिसी लेके आ जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी हम में है, उस पर कोई कमेंट कर ही नहीं सकता भाई। आपकी पॉलिसी बेसिकली गलत है, बस अगर आप गलत काम कर रहे हैं मैं उसको कैसे सुधारूंगा, सुधार नहीं सकता हूँ। तो इसमें जल सेना हो, वायु सेना हो, थल सेना हो, तीन जो है मिक्सअप करके इसको दिया जा रहा है कि सैनिक भर्ती सिर्फ सैनिकों की नहीं, जल थल में भी वो यहाँ पर आ सकेंगे, ऐसी योजना बनाई गई है। अगर इनकी इच्छा शक्ति थी अग्निवीर बनाने की तो आप कानून पास करिए, जैसे ही ये निकलेंगे बिना ब्रेक के इनको जॉब मिल जाएगा 10% जो भी इन्होंने फिक्स किया है हर कंपनी में। अगर इसका कानून आता है तो ये सच्चे हैं, अगर इसका कानून नहीं लाते हम कोशिश करेंगे। अरे 50,000 आदमी हमारा आज रिटायर होता है हर साल, उनको नौकरी क्यों नहीं दी अभी तक, इस चीज़ की इंतजार थी आपको? तो ये इच्छा शक्ति गलत। तो अग्निपथ लाकर जो सरकार ने अभी लाकर दे दिया अग्निपथ, तो क्या सैनिकों का यहाँ पर तौहीन की जा रही है सैनिकों की? बिल्कुल तौहीन हो रही है हमारी, हमारी तौहीन तो 1948 से होने लगी है, धीरे धीरे हमारा स्तर गिरता गया है। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा जहाँ पर जनरल करियप्पा खड़े हैं, नेहरू जी सॉरी वो बैठे हैं, नेहरू जी खड़े हैं। ये हमारा फौज का स्तर था, हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ सही है, पर ये था, ये हौदा था। आज गिराकर कहाँ गया है? हम आज जो अपनी वो है प्रेसिडेंसी उसके हिसाब से हम 17वां नंबर पे हैं, तो गलत है, आपने फौज को गिराया है, सही नहीं है। अग्निवीर तो लगातार अग्निवीर बन जा रहे हैं, सब समर्थन भी कर रहे हैं कि उसमें जो है सैलरी का एक क्राइटेरिया भी दिया गया है कि वो उनको पेंशन नहीं मिलेगी, मगर इतना सालाना जो है उनको मिल जाएगा कि उनको पेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने
प्रॉब्लम जो आपके हाथ में थी आपने उसको 3 साल के लिए शिफ्ट कर दिया, प्रॉब्लम वापिस 3 साल के बाद पैदा होगी, फिर देखेंगे क्या करते हैं। तो सर क्या अग्निपथ मतलब सही नहीं है क्या? बिल्कुल सही नहीं है, मैं फौजी को तैयार करता हूँ 3 साल में, उसको बल्कि पूरा तैयार भी नहीं होता है, 6-7 साल लगते हैं उसको तैयार करने के बाद। मेरा जो ट्रेनिंग करी है वो वेस्ट हो गई है, वो तो चला गया, तो फिर क्या फायदा कहाँ हुआ फौज का? फौज का तो नुकसान हो गया, हमारी जो ट्रेनिंग थी आपने बेकार कर दी ना, तो फिर क्या फायदा हुआ उसका? इसमें सर एजुकेशन का अगर मुद्दा लाया जाए कि भाई इतने पढ़े लिखे चाहिए थे अग्निपथ में, तो आपको मैं बता दूं कि इस तरीके की योजना में खुद सरकार ने कहा है और इतने लेख लिखे हैं कि 8वीं पास भी अब इसमें भर्ती कर सकता है, तो युवाओं को तो रोजगार मिल गया सर। देखिए अगर आप सही हैं, आज आपको कोई नौकरी दी जाए, भैया ये नौकरी आपकी 3 साल की है, आप ले लेंगे? आप नौकरी ढूंढेंगे सरकारी नौकरी जो कि जिंदगी भर चले, अगर आपकी इच्छा सही थी तो आप उसको नौकरी देते कहीं किसी भी महकमे में, फिर वहाँ से निकालते, बोलते बेटा 3 साल फौज में काम कर ले उसके बाद वापस आ जाना, वो सही तरीका था, उनको वैसा करना चाहिए, पर वो करने को तैयार नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि एक नौकरी नहीं दे सकते, बात तो वो है। कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं ऐसे आरोप लग रहे हैं सरकार पे कि अग्निपथ जैसी एक योजना लाकर 4 साल बाद जो है आरएसएस में भर्ती करवा दिया जाएगा, उन्हें सैनिक बना दिया जाएगा? आरक्षण जो आप बोल रहे हैं उसको? आरक्षण नहीं, आरएसएस वो नौकरी है, एक गलत बात, आरएसएस में आप उनको बाहर गार्ड बनाएंगे? ये एक फौजी गार्ड के लायक है? I'm sorry, आपकी थिंकिंग बहुत गलत है, ये हमारी इंसल्ट है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बाहर निकल कर फौज से एक गार्ड बनूंगा, गलत है। आरएसएस भी जो है ऐसे युवाओं को बढ़ावा दे रही है, उन्हें सिखाती है, तलवार चलाना सिखाती है, बंदूक चलाना सिखाती है, वही जो है फौज में होता है, तो आरएसएस में भर्ती हो जाएंगे ऐसे आरोप लग रहे हैं? नहीं नहीं, आरोप ये तो लगते हैं कि हिंदुस्तान है, सच ये है फौजी को आपको उसके साथ न्याय करना चाहिए, ये उनके साथ न्याय नहीं है, वन लाइन बस। बहुत बहुत शुक्रिया, अभी हमारे साथ जो है सर मौजूद थे और ये सैनिक रहे हैं हमेशा से, इस फौज को अपना जो है मानकर उसके लिए लड़ते रहे हैं, लगातार बॉर्डरों पे इन्होंने लड़ाई लड़ी है, आज वही सैनिक जो लगातार यहाँ पर रोडों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सैनिकों की तौहीन की जा रही है, अग्निपथ जैसी ये योजनाएँ हैं वो ला करके एक वीर शूरवीर सैनिकों से जो है बराबरी की जा रही है। आप सोचिए अग्निपथ योजना ला करके, अभी हमारे साथ मेजर साहब भी थे जो लगातार बता रहे हैं कि अग्निपथ जैसी योजनाएं लाकर जो है सैनिकों के ऊपर वार किया जा रहा है, सैनिकों के जो उनका जज्बा है, जो उनका वो सब कुछ है उस पर किस तरीके से वार किया जा रहा है, सैनिकों की तौहीन की जा रही है लगातार। अभी वन रैंक वन पेंशन के लिए लगातार यहाँ पर मौजूद है और कितने सालों से ये लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन्हें पेंशन मिल सके, लेकिन आप सोचिए अग्निपथ जैसी योजना में पेंशन जैसा कुछ भी नहीं है, नो रैंक नो पेंशन। तो इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।